दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने IISc बेंगलोर का नाम जरूर सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और आप देख रहे हैं विक्रम बायोलॉजी। दोस्तों, IISc बेंगलोर रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के फील्ड में इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक है और ये भारत की दो शहर में स्थित है, मतलब कि इसकी दो ब्रांचेस है। पहला ब्रांच है बेंगलोर, जो कि IISc बेंगलोर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ब्रांच इसका IISc चेल्लाकेर, यह कर्नाटक के दुर्गपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों, IISc बेंगलोर की स्थापना सन 1909 में उस समय के मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जे एन टाटा जी की मदद से हुई थी। दोस्तों, अब जे एन टाटा जी का नाम आ ही गया है तो मैं IISc बेंगलोर के प्रारंभिक इतिहास की ओर आपको लेकर के चलता हूँ। बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन को खोलने का आइडिया जमशेद जी टाटा जी का ही था, पर इसकी स्थापना के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था जिसका काम इस संस्थान की रूपरेखा तैयार करना था। मुख्य रूप से जमशेद जी टाटा जी के दूरदृष्टि और स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज हम IISc बेंगलोर के रूप में इसे देख पा रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह रही कि अपने सपने को साकार होने से पहले ही सन 1904 में जमशेद जी टाटा जी का निधन हो गया। दोस्तों, जमशेद जी टाटा नहीं चाहते थे कि संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाए, और शायद इसीलिए भी आज हम IISc बेंगलोर को जे एन टाटा जी के नाम पर नहीं जानते हैं। पर अगर आप बेंगलोर जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय लोग आज भी IISc बेंगलोर को टाटा इंस्टीट्यूट ही कहते हैं। ये दोस्तों, अब मैं आपको IISc बेंगलोर के एकेडमिक्स की ओर लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, IISc बेंगलोर को साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के फील्ड में भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है, और इसकी रैंकिंग वर्ल्ड की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आती भी है। IISc बेंगलोर वेरियस फील्ड में अपने UG, PG और डॉक्टरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ टू गेट एडमिशन इन IISc बेंगलोर। देखो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 12th में हमें PCM होना चाहिए, मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ ही आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको इसमें कोई ना कोई एग्जाम दे करके जाना पड़ेगा। चार ऐसे एग्जाम है जिसको क्वालिफाई कर करके आप IISc बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं। पहला एग्जाम है KVPI। अगर आप KVPI के एग्जाम दे करके जाना चाहते हैं तो KVPI से जा सकते हैं। ऐसे ही JEE मेन्स प्लस एडवांस के एग्जाम दे करके जा सकते हैं, नीट UG का एग्जाम दे करके जा सकते हैं, और ICER एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको दे करके आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। कुल मिलाकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह उन महत्वाकांक्षी शोधकर्ताओं, मतलब कि जो रिसर्चर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक स्थान बना हुआ है, जो कि साइंटिफिक इनोवेशन में एक उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए। थैंक यू वेरी मच।